महाकवि जयदेव द्वारा रचित है प्रसन्न राघवम। इसका कथा सार कुछ इस तरह है। प्रसन्न राघव नाटक राम कथा पर आधारित है। ये पीयूष वर्षी कवि जयदेव की विश्व विश्रुत कृति है। 7 अंकों में निबद्ध इस नाटक की कथा का स्रोत आदि काव्य रामायण है। जयदेव ने उत्कृष्ट मानदंड नाटक का मानदंड बताते हुए नाटक के प्रारंभ में ही कहा है कि जिसमें प्रत्येक अंक में रसावतार का अंकुरण हो, ताज़ा खिले हुए फूल के समान बंध की संरचना हो, चंद्रमा की तरह बांकपन हो, ऐसा मंजुल संविधान वाला नाट्य प्रबंध काव्य है। बालकांड की कथा से प्रारंभ हुए इस नाटक के 4 अंकों में विन्यस्त है। पहले अंक में विष्कंभक द्वारा स्वयंवर के अनुष्ठान की सूचना प्राप्त होती है। रावण अपनी वीरता की डींग हाँकता हुआ शिव के धनुष को उठाने का प्रयास करता है। इसी समय बाणासुर वहां आ जाता है और दोनों में कहासुनी होती है। रावण ये देखकर प्रसन्न होता है कि बाणासुर भी शिव धनुष को उठा न सका। राजाओं के द्वारा शिव धनुष को उठाने की हास्यास्पद चेष्टाओं का वर्णन जयदेव ने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस अंक का समापन मारीच की दूर से आती चीख के द्वारा होता है और रावण मारीच को ढांढस बंधाने के लिए प्रस्थान करता है। दूसरे अंक में पुष्प वाटिका में राम एवं सीता के प्रथम दर्शन का प्रसंग है। वसंत वर्णन के पद्यों में नयनाभिराम नैसर्गिक सूषमा तथा उसके बीच सीता की कमनीयता की छटा एक दूसरे से विच्छुरित है। तीसरे अंक में वामनक यानी कि बौने और कुब्जक यानी कि कुबड़े का संवाद लीला नाट्य के हसोड़ पात्रों का मनोरंजक के रूप में प्रस्तुत करता है। चौथे अंक में राम सीता विवाह तथा परशुराम के पराभव की कथा है। परशुराम का क्रोधित होना और श्री राम द्वारा नारायण चाप संधान के अभिज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। परशुराम श्री राम को नारायण अवतार जानकर अनुकूल हो जाते और ये नाट्य प्रस्तुति संपन्न होती है। इस पर निदेशक डॉक्टर चन्नब सवस्वामी हीरे मठ ने कहा है अपने निर्देशकीय में कि नाट्य मंजन की दृष्टि से ये नाट्य पाठ अपने आप में एक प्रश्न भी है और एक उत्तर भी है। इस नाटक के अध्ययन से प्रयोग की दृष्टि के सारे संदेह उत्तरोत्तर दूर होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए इस नाटक के द्वितीय अंक में सीता और राम का श्रृंगारमय वर्णन है जो कि परंपरा प्राप्त रामकथा से भिन्न है। अतः कवि के आशय को न ठुकराते हुए नाट्य निर्देशक द्वारा इसे स्वप्न दृश्य में परिवर्तित किया गया है। इस नाट्य प्रयोग में प्रसन्न राघवम नाटक के प्रथम 4 अंकों को लिया गया है जिनमें वीर श्रृंगार अद्भुत एवं रौद्र आदि रस अपनी उत्कर्षावस्था को प्राप्त होते हैं। इस नाटक में नाट्य शास्त्रांतर्गत नियमों का परिपालन करने का प्रयास किया गया है। चतुर्थ अंक में परशुराम का प्रवेश एवं राम और लक्ष्मण के साथ संवाद तथा राम और सीता के प्रणय मिलन से ये नाटक समाप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें जो पात्र अभिनय करेंगे मंच पर वे हैं सूत्रधार एवं लक्ष्मण हर्षित मिश्रा, नटी पलक सरोठिया, दालभ्यान अंकित पचौरी, मधुरप्रिय चंचल नायक, कलालाप श्रद्धा गौतम, मंजरीक निशांत दुबे, नुपुरक महीप द्विवेदी, राजा एक एवं शतानंद राम माधव पाल, राजा दो रविंद्र आर्य, राजा तीन आदित्य कुडेरिया, राजा 4 राम माधव, राजा 5 तरुण जलोटा, रावण हरीश मिश्र, बाणासुर राकेश सेन, राम आयुष दीक्षित, सीता कल्याणी फगरे, सखी रिद्धिमा शुक्ला, जनक संजय शर्मा, नटी 1 अंजलि अग्रवाल, नटी 2 कृतिका तिवारी, नटी 3 राशि तिवारी, नटी 4 विधि पचौरी, नटी 5 आर्ची स्थापक, नटी 6 किरण सौराष्ट्रीय, परशुराम अभिनव मिश्रा, विश्वामित्र तरुण जलोटा, तांडयान नितिन कुमार पांडे, भिक्षु अनुज कुमार पांडे, तापस आशुतोष शर्मा। दृश्यबंध में जो लोग हैं वो हैं अंजलि अग्रवाल, कामाक्षी भार्गव, शाश्वत चतुर्वेदी, दिवांश उदयनिया, राशि तिवारी, किरण सौराष्ट्रीय। प्रस्तुति के आधार स्तंभ जो हैं जिन्होंने मंच परे से इस प्रस्तुति को सहयोग दिया है उनमें मंच संयोजन किया है श्री हरीश मिश्र ने, प्रकाश संयोजन रहा है डॉक्टर चन्नब सवस्वामी हीरे मठ एवं श्री वरुण सौरभ पोखरियाल, आहार्य संयोजन है श्री आयुष दीक्षित एवं श्रीमती कल्याणी फगरे, नृत्य संयोजन है श्रीमती कल्याणी फगरे, गायन श्री आकाश गुंटीवार एवं डॉक्टर स्नेहा पांडे, वंशीवादन डॉक्टर हरिप्रसाद पोडियाल,
ताल वाद्य है श्री मनोज पाटीदार का, नाट्यालेख है संजय द्विवेदी एवं आयुष दीक्षित का, संगीत निर्देशन एवं गायन है डॉक्टर संजय द्विवेदी, नाट्य निर्देशन डॉक्टर चन्नब स व स्वामी हीरे मठ, सहयोग एवं परामर्श डॉक्टर प्रसाद भीड़े, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एवं मुख्य निर्देशन प्रोफेसर रमाकांत पांडे। और ये प्रस्तुति है नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल की। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कृपया अपने सेलफोन साइलेंट मोड पर कर लें। धन्यवाद। गर्भस्थम की पुष्पम आमोदे नई शक्ति
नाट्य प्रयोग करो, रंग तरंगी आवाहित कोरित सर्वरसावतारम् कोरित सर्वरसावतारम्
अस्तु महीतले यस्मिन् सफलता मेति मम दोदण्डमण्डलम् मम दोदण्डमण्डलम्। अस्ति मे कार्मुकं दिव्यं न्यस्तं जनक भूभुजि यस्य बाणानले तिस्रः शितवतां निवहेर राज्ञा मञ्चावलीवलयमाकलितं विभाति सीता स्वयंवरविलोकनकौतुकेन पुञ्जीकृताकृतिदिशामिव चक्रवालम् कृताकृति दिशामिव चक्रवालम्। आकर्णान्तं त्रिपुरमधनो दण्डको दण्डरथा you
परतोप्यमी नृपतय सर्वे समभ्यागता कन्येयं कलधौतकोमलरुचि कीर्तिश्च लाभास्पदं नाकृष्टं न जटात्मितं न नमितं स्थानाञ्च न त्याजितं केनापीदमहो धनुः किमधुना Come on.
कहानियां तथा कंठोपि अहो एतावती वीरना केना केना पितावत आरोपितम ऐश्वर्यम धनु कथम मत्या विनानीयते सीता अयम चंद्रहासेन मे आराधिति यदि ईर्षम वीरम तत्किमारोपै हरिकारोपम नानीयते सीता दंड चंडी मन सदभुज दंड शंडा हेला चला चंद हरा चला चार कीर्ते है दिव्य शस्त्र स्वयं शक्ति प्रकार कथम दस्मुक्षा शक्ति संभावना अये बहुमुखता नाम बहुपिलापिताया कारण विक्रमस्य बहुबाहुतैव कथम रे नारभार निहिस्सा रेण भुजभार रेण इरं मन्यस अलम अनेक बाप गृहेण तदिदं धनु आवयो तारतम्यम निरुपस्यति त्रिपुरमथन चापारोपणो टिकंतिकादि मम ना जनक पुत्री पाणिपत ग्रहाय अपितु बाहुल बाहुवीहु निर्वीहु माला परत परत मल हेला तांडव डंबराय उन्वीर केन शिखरेण हरा चलस्ते रागेव मे अज बनस एषा विदेह तनया कुंभ केली निर्मुक्त धारा सारही समयामी
आराम आराम नहीं है। आए किसर गरम नहीं हो या हमारा अगला मधुमा पितान धर्म नहीं है अवतीर्णा मधुमा से लक्ष्मी हे ममेन सतिम कैलास ग्रे भुजंग धरम मनसि विमृशं भीत शंके प्रयाति शने शने आरे अहम तो एवं तर्कयामि पथि पथि लता लोलाक्षी भी श्रवन मधुसीकरम कुसुमनिकरम वर्षन्ती सहर्षमिवार्चितः मधुकरवधूगीता सक्तम् पुरंगकमास्थितः प्रसरति वने Thank you.
नन्वी है जनक प्रतिवस यस्यायम भगवान याज्ञवल्क्यो गुरु मोयम भगवानस्य गुरु यह किल योगेश्वर विदिख्यायत वत्स सैव पादोपजीवनाखानो प्रबोधमुपलब्धे अभूद्योगेश्वर ख्याति सत्व पद्म विवश तदे राजभवनम उपसर्प प्रवीणतया संप्रीणया अस्मा
अहो दर्पान तथा यदा पुनः कृतं अस्मा
यदि वा दीक्ष्णधार उठार स्त्रीणां नेत्राण्यधि वसतुलं कच्चलं वा जलं संपश्यामो ध्रुवमिह प्रेतभर्तुर्मुखं यद्वा तद्वा भवतु न भयं ब्राह्मणेषु प्रवीरः ओ कथम् प्रतिपात्रं ब्राह्मणमात्रं मन्यसे वयं ब्राह्मणेषु प्रवीरः इति उच्यते कथं क्षत्रियजाति गर्वितो ब्राह्मणजातिं घृणायमन्यसे तदिनानीम् आवयोः पाकरिणस्ति संग्रामतुलैव निर्णश्यते जामदग्न्य एवमेतत् यस्मादेक गुणं शरासमिदं सुव्यक्तमुर्वी कुशलम् अस्माकं भवतां पुनरनवगुणं यज्ञो पवितं बलं लक्ष्मण अलविह माननीये गुरो दुर्विनय वैतत्के अस्य कोरोसः दारैर्मुक्तकुचान् सुखः परिवृतम् प्राचीनमे शान्तितम् नाहिंसिद्धदसौ कुठारः तकस्य तच्चरितदुच्चैर्वृतम् यन्नारीकवचाम् वयम् प्रणयिना छत्राधमानामिव दुर्वाचप्रविशन्ति वेष्टमणयोर्धिक्छत्रगोत्रैकृता अलमिः क्षीरकण्ठे कठोरभूमतया तत्क्षम्यताम् किमुच्यते क्षीरकण्ठ इति विषकण्ठाखलसौ भगवन् क्षितिकण्ठशिष्येण विशेषतः क्षन्तव्यम् क्षितिकण्ठनामशिष्येण त्वमपि मे गुरु भगवन् अन्यापि सन्धानेन मया इदम् यत् किल किरीटमधिरूढेऽपि बाले प्राले यरोचसि क्षितिकण्ठस्य किञ्चित् धत्ते कोपान्तरा वदति तद्भवान् तदन्ते एव अस्ति विशेषता चुक्तुम् अर्हति अहो अस्य क्षत्रियवटोर्वाक्यपरिपाठी तदिदानीं क्षान्तमेव मया किन्तु वयं तु न क्षमते प्रकृतिकठोरकुठारः यत्र क्रामति सङ्गराङ्गणभवं दुर्वाधाराञ्च वा शुण्डक्षत्रकिशोरकण्ठरुदिरै नीरेणुका भूरिभू भगवन् सत्यमेतत् यत्किल भवत्कुठारधाराञ्चलविलसितेन नीरेणुका भूभूरभूदिति आह् कथं रेणुका वृत्तान्तेन भवतु तदिदं क्षान्तमेव मया तदयं क्षान्तमेव मया हे क्षत्रियपोत अलमिह निरपराधे बुधा परस्वधपातेन किन्तु अयं तु न क्षमते प्रकृतिकठोरकुठारः सकललोकविख्यात त्रिगुणाकुलं तपोविशेषस्य भर्गशिष्यस्य अतः एव निवेदयामि भवानेव तावत् विचारे क्व परशुरशुभस्ते पुत्र गोत्रं पवित्र क्व धनुरिदमुदग्र निर्मलं पुत्रशीलं घनसमरकालं कुत्र नाराज हेलं कुशकितलये लीला कुत्र वा पर्णशाला कथमन्यमिव प्रतिपात्रं मुनिमात्रं मन्यसे चामलग्नः खलवः प्रसीद त्वं कोपात् भूमे चेतसि चिरं यच्छायासैर्बहुभिरेव वारयर्जितम् यशो वित्तं वित्तं हितवैव वेक्षो भरत धने तस्मिन् वारे भृगुतिल मा हारय बुध कथं हारयिष्यामि अथवा किमनां भाग्यम्बरपर्मितेषु युष्माशिवाणी प्रचुरा प्रयुञ्जे वाणां निपुप्राण हरान् मदीयान् सर्वेऽपि यूयं सहिता सहत्वा किमन्ये अहमेव वक्षस्थले निसहिष्ये कराघातात् विष्णु करवनमाला परिमृता भ्रमत्भृङ्गाध्वाना द्विगुणितविकासः समजनि सयस्य चाघोष Thank you.
एक बार आप सबकी जोरदार तालियां मिल जाए इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। बहुत धन्यवाद। मंच पर जिन कलाकारों ने इतने सुंदर अभिनय के द्वारा सारे चरित्रों को चरितार्थ किया उनमें थे सूत्रधार एवं लक्ष्मण हर्षित मिश्रा। मंच पर आ जाइए। हर्षित मिश्रा, नटी पलक सरोठिया, मंच पर आते जाइए। दालभ्यायन अंकित पचौरी, मधुर प्रिय चंचल नायक, आप सबकी तालियां मिलती रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। कलालाप श्रद्धा गौतम, मंजरीक निशांत दुबे, नुपूरक महीप द्विवेदी, राजा एक एवं शतानंद राम माधव पाल, राजा दो रविंद्र आर्य, राजा तीन आदित्य कुड़ेरिया, राजा चार राम माधव, राजा पांच निशांत मिश्रा, रावण हरीश मिश्र, बाणासुर राकेश सेन, राम आयुष दीक्षित, सीता कल्याणी फगरे, सखी रिद्धिमा शुक्ला, जनक संजय शर्मा, नटी एक अंजलि अग्रवाल, नटी दो कृतिका तिवारी, नटी तीन राशि तिवारी, नटी चार विधि पचौरी, नटी पांच आरसी स्थापक, नटी छः किरण सौराष्ट्रीय, परशुराम अभिनव मिश्रा, विश्वामित्र तरुण जलोटा, तांडेयायन नितिन कुमार पांडे, भिक्षु अनुज कुमार पांडे, तापस आशुतोष शर्मा। दृश्यबंध में जो लोग थे उनके नाम हैं अंजलि अग्रवाल, कामाक्षी भार्गव, शाश्वत चतुर्वेदी, शिवांश उदयनिया, राशि तिवारी, किरण सौराष्ट्रीय। मंच परे पर जिनका सहयोग मिला है उनसे भी निवेदन है उनके नाम के साथ वे मंच पर आ जाएं। मंच संयोजन श्री हरीश मिश्र, प्रकाश संयोजन डॉक्टर चन्नबसव स्वामी हीरे मठ एवं श्री अरुण सौरभ पोखरियाल, आहार संयोजन श्री आयुष दीक्षित एवं श्रीमती कल्याणी फगरे, नृत्य संयोजन श्रीमती कल्याणी फगरे, गायन श्री आकाश गुंटीवार एवं डॉक्टर स्नेहा पांडे, वंशीवादन डॉक्टर हरिप्रसाद पोडयाल, तालवाद्य श्री मनोज पाटीदार, नाट्यालेख डॉक्टर संजय द्विवेदी एवं श्री आयुष दीक्षित, संगीत निर्देशन एवं गायन डॉक्टर संजय द्विवेदी, नाट्य निर्देशन डॉक्टर चन्नबसव स्वामी हीरे मठ, सहयोग एवं परामर्श डॉक्टर प्रसाद भीड़े, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एवं मुख्य निर्देशन प्रोफेसर रमाकांत पांडे। और ये प्रस्तुति थी नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल की। दो मिनट लेना चाहूंगा आप सभी के। नाटकस्य प्रयोगः तु संस्कृतेन जातः, अधुना व्यवहारार्थम प्राकृतभाषी भवामि, हिंदी भाषया किंचित वदामि। सबसे पहले तो कालिदास संस्कृत अकादमी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें यहाँ प्रयोग के लिए आपने आमंत्रित किया। इस आमंत्रण से हमारे ये जो सारे छात्र हैं उनका धैर्य बहुत बढ़ा है, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह प्रयोग देखने के लिए प्रमुख अतिथि रूप में आप आए, इसलिए आपको प्रणाम। हमारे मार्गदर्शक जो महाराष्ट्र से रहे हैं विजय कुमार जी, आदरणीय कुलगुरु जी, आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके आपका दिनक्रम व्यस्त हो व्यग्र होते हुए भी आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी रसिकों का बहुत आभार, क्योंकि अपरितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, ऐसा कालिदास ने ही कहा है जिसकी भूमि पर हम खड़े हैं। तो यदि आप ना होते तो यह प्रयोग आज इस तरह से संपन्न नहीं होता। नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र का दायित्व मुझ पर है, इसलिए कुछ नाम मैं विशेष रूप से यह लेना चाहता हूँ। यह सारा प्रयोग जो हमने देखा, मैं
ये कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि ये सारे छात्र है, इनमें से कई छात्र, बहुत सारे छात्र पहली बार रंगमंच पर आ रहे हैं, और ऐसे जिनको बिल्कुल अनुभव नहीं अभिनय का, ऐसे छात्रों का निर्देशन करना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और यह जिन्होंने बखूबी निभाई वो हमारे चन्ना बसव स्वामी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कर्नाटक प्रांत से आते हैं, तो कर्नाटक की नाट्य शैली का स्वरूप हमें इस नाटक के माध्यम से दिखा, और उन्हें जिन्होंने निर्देशन में सहाय किया था उनके नाम भी मैं लेना चाहता हूँ। विशेषतः वाचिक अभिनय में आयुष दीक्षित ने उन्हें बड़ा सहाय किया था, और उनके साथ नृत्य तथा अभिनय इसके लिए कल्याणी फगरे जी ने सहाय किया था। ये दोनों ही नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। इस नाटक का संगीत, ये संगीत का बड़ा महत्व इस नाटक की प्रस्तुति में था, और मध्य प्रदेश का जाना माना चेहरा, जानी मानी आवाज़ जिन्होंने इस नाटक के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी वो हमारे डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, इनके लिए संजय द्विवेदी जी हमारे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। और यह जो सारा नेपथ्य है ये बनाना बड़ा कठिन काम था, इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने अपने कंधे पर ली थी वह हमारे एक प्राध्यापक जिन्होंने रावण की भूमिका भी की, वो है हरीश मिश्रा जी। हाँ, और इस नाटक जिसके कारण प्रकाश में आया वह हमारे प्रकाश योजनाकार शिक्षा शास्त्र विभाग से है। वरुण जी कृपया आप यहाँ आइए आइए आइए, आपका चेहरा भी तो लोगों को दिखे। और संगीत संयोजन तो द्विवेदी जी ने किया था, लेकिन उसका प्रत्यक्ष में लाना जिनके कारण शक्य हुआ वह सारे हमारे संगीत के संघ के लिए एक बार हम तालियों की बौछार करेंगे। रंगभूषा की थी तानिया जी ने, उनको भी मैं रंगमंच पर बुलाना चाहता हूं। क्या तानिया जी है, समीप है? हाँ। आज का ध्वनि संयोजन बहुत ही बढ़िया था, इसलिए आपके भी आभार, फिर एक बार सभी के आभार व्यक्त करता हूँ। और नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र का यह पुनरारंभ हुआ है, इसकी यह पहली प्रस्तुति थी, और आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके पश्चात नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र से इससे भी बढ़िया नाटक हम प्रस्तुत करेंगे। और यह नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र न केवल मध्य प्रदेश का परंतु भारत भूमि का भूषण होगा, इसलिए हम सभी प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद, निश्चित तौर पे आपका नाट्य अनुसंधान केंद्र बहुत उन्नति करे, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आप सभी का साधुवाद। हमारे बीच सनातन विद्यापीठ के विद्यार्थी उपस्थित हैं, उन विद्यार्थियों को भी ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी, निश्चित तौर पे उनकी तालियां बजा रही हैं, उन बच्चों के लिए भी एक बार तालियाँ बजा दी जाए, बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए कालिदास अकादमी के उपनिदेशक डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वे आए और आभार प्रदर्शित करें। नमस्कार, संस्कृत नाट्य समारोह के द्वितीय दिवस की समापन मेला में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं काफ़ी देर से भिड़े सर का वेट कर रही थी कि वे थमे तो माइक मुझ तक आए। प्रसाद भिड़े सर और डॉक्टर हिरेमन सर और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इससे पूर्व के मैं अपनी परंपरा, आभार प्रदर्शन की परंपरा का पालन करूं, मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। आज की जो प्रस्तुति थी वो बहुत सुंदर थी,
आपने जो हमें आकल्पन या जो मैं ब्रोशर कहूँ उसमें जो जिन चीज़ों को आपने इंगित किया था वो बहुत सुंदर तरीके से इस मंच पर प्रस्तुत की। प्रसन्नम राघवम, राघव मतलब श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जो भी आपके गेस्ट फैकल्टीज हैं, मैं सभी को, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं सभी को स्टूडेंट समझ रही थी। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। जयदेव जो श्रृंगार के कवि हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें हम कभी भी श्रृंगार स्वरूप में नहीं देखते और देख सकते भी नहीं, क्योंकि वो हमारे रोम रोम में मर्यादा पुरुषोत्तम के समान व्याप्त हैं, हमारी आत्मा में समाहित हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जिन कलाकारों ने भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, आयुष ने जो कैरेक्टर, जो चरित्र प्रस्तुत किया है आपके सामने, उनके गुरु डॉक्टर हीरेमन जी और खुद आयुष और उनकी सहयोगी सीता जी, राम और सीता हम कहते हैं बोलचाल में सीता राम, है ना, उन्हें छेड़ना एक मर्यादा होती है, उन्हें प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। उस मर्यादा को आयुष ने बहुत भली भांति नाट्यशास्त्र की परंपरा अनुसार, की सहचरी आज की उनकी सखी और सहयोगी सीता, मैं क्षमा चाहती हूँ आपका नाम भूल गई, कल्याणी, कल्याणी के साथ बहुत ही संयमित और बहुत ही मर्यादित स्वरूप में प्रस्तुत किया है। हीरेमन सर पुनः बधाई और साधुवाद के पात्र हैं, और सभी बच्चे, मैं हमेशा से कहती हूँ और ये निवेदन करती हूँ कि कला हमें संस्कार, अनुशासन और परंपरा प्रदान करते हैं। आज यहाँ पर कुछ अलग अलग दृश्य देखे, अनुशासन तो आप देख ही रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। रावण, जहाँ राम सौम्य हैं, शांत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सहज हैं, सरल हैं, वहीं रावण उनकी इस छवि के विपरीत आक्रोशित, अहंकारी, दुस्साहसी, व्यभिचारी, उसमें समस्त दुर्गुण हैं। और उस रावण को यहाँ उनके जो गेस्ट फैकल्टी हैं उन्होंने, और मुझे सबसे भी ज़्यादा आकर्षित जिन्होंने किया वह हैं बाणासुर, दोनों की जो भाव भंगिमाएं थी, मैं चित्रकला की छात्रा हूँ तो भाव को ज़्यादा पकड़ती हूँ, तो जो भाव भंगिमाएं थी, जो मुद्राएं थी सभी कलाकारों की, वो बहुत आकर्षक थी, मतलब हृदय विरामी थी। मैं ये चीज़ देखने के लिए तरस गई इस मंच पर, और इस मंच पर पहली बार मैंने जो देखा वो आपके समक्ष रखती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कृपया कर मुझे सुधार कीजिए। मैंने पहली बार, फिल्मों में तो हम देखते ही हैं एक्शन रिप्ले होता है ना, मैंने इस मंच पर वो देखा, वाटिका के, पुष्प वाटिका के दृश्य में राम इस तरफ आकर बैठते हैं एक मुद्रा में, और वे कल्पना में चले गए हैं, और उधर सीता अपनी सखी के साथ आती है, ये सारा जो है एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह चला। वो सीन जब समाप्त होता है पुनः वहीं पर आकर ख़त्म होता है जहां राम अपनी सौम्य मुद्रा में विराजमान हैं। तो इस सीन के लिए भी आप विशेष साधुवाद के पात्र हैं, इस पूरी प्रस्तुति में मुझे बहुत आनंदित किया है। मैं नाट्यशास्त्र और मैं नाट्य विधा में भी बहुत रुचि रखती हूँ, शायद उसी का प्रभाव है कि मैं इतनी देर तक माइक लिए हुए हूँ और आपके समक्ष अपने विचार रख रही हूँ। परशुराम का क्या कहूँ, दुर्वासा और परशुराम हमारे धार्मिक साहित्य में और धर्म में क्रोध के स्वरूप हैं, तो उन्हें इतनी भली भांति उस छात्र ने प्रस्तुत किया है, आप बधाई के पात्र हैं। इस संपूर्ण प्रस्तुति में सर ने कहा कर्नाटक शैली, मुझे लगा कि ये अनुशासन उधर से ही आया है, तो उसके लिए डॉक्टर हीरेमन सर पुनः बधाई के पात्र हैं, पुनः बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। छात्र छात्राओं में मेरे प्राण बसते हैं, और आज बच्चों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, बहुत प्रसन्न किया है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ, और अपनी दायित्व की ओर आती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय, परम आदरणीय राजेंद्र व्यास सर, प्रसाद भिड़े सर, हमारे सीवी रमन सर, मैनन सर, सॉरी विजय मैनन सी जी सर,
आप सभी का मैं हृदय से आभार करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें ये समय दिया और हमारी इस प्रस्तुति को, हमारे इस समारोह को सफल बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे जितने भी छायाकार हैं, जितने भी मेरे स्टाफ के सभी सहयोगी हैं, कार्यक्रम के प्रभारी जो हैं, कार्यक्रम संयोजक श्री अनिल बारोट जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके माध्यम से हमारा ये जो आयोजन है सफल हुआ और बच्चों को इस प्रकार का एक अवसर प्राप्त हुआ। हम हमेशा ही कहते हैं कि संस्कृत में प्रस्तुति, संस्कृत नाट्य में प्रस्तुति करना बहुत कठिन होता है। कल ही मैंने ये बात कही थी, पर अगर गुरु और मार्गदर्शक सही हो और अनुशासित हो तो हर बाधा पार हो जाती है। पुनः पुनः बधाई, पुनः पुनः साधुवाद। आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त, इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों का मैं हृदय से आभार करती हूँ कि आप सभी ने अपना मूल्यवान समय देकर इस समारोह के द्वितीय दिवस को भी सफल बनाया। पुनः आभार। और निवेदन करती हूँ कि कल हम फिर इसी प्रकार तीसरी और अंतिम प्रस्तुति के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। सनातन विद्यापीठ के बटुकों का बहुत आभार। कल भी इसी तरह प्रस्तुति होगी संस्कृत नाटक की, वंचते परिवंचते, उसमें भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। बटुक ज़रूर आएँ। हमारे अतिथियों से निवेदन है कृपया ग्रुप फ़ोटो के लिए आ जाएं। जो नाटककार उज्जैन के यहाँ उपस्थित है, वरिष्ठ नाट्यकार जैसे हफीज़ खान साहब, प्रकाश देशमुख जी, भूषण जैन जी, सुंदरलाल मालवीय जी, हमारे बहुत ही सुंदर संचालनकर्ता स्वामी मुस्कुराके जी, और जिन जिन तक मैं पहुंच पा रही हूं और जिन जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूं, उपेंद्र भार्गव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कृतज्ञ हैं हम आप सभी के प्रति, आप सभी की उपस्थिति के प्रति। कल जिन्होंने एक बहुत सुंदर अभिनय यहां प्रस्तुत किया था, ऐसे नाट्यकार श्री दुर्गेश बाली जी और बाकी सभी नाटक के श्रोता, दर्शक एवं नाट्य, आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। सेवेति गृह सरितश्चम तले तावद् रामायण गता लोकेषु प्रचरिष्यति। और सुंदर प्रस्तुति के लिए केवल एक ही वाक्य है, न शक्यते वर्णितम गिरादरा। वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी सुंदर प्रस्तुति को वाणी के माध्यम से प्रकट कर सके, इसलिए आपके जो निर्देशनकार हैं और अलग कलाकारों ने जो प्रस्तुति की है निश्चित रूप से, और संस्कृत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। यावत भारत और यावत हिमालय विद्या हिमाचल गोमाचल यावत गंगा गंगा गोदावरी च तावदेव ही संस्कृतम। इसलिए हमारी जननी भाषा संस्कृत के प्रति आपका प्रेम और निष्ठा बनी रहे। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।